निजी विद्यालयों का संगठन बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा निजी विद्यालयों की समस्या को लेकर पटना में विधानसभा तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया। पैदल मार्च की शुरुआत पटना के गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक से शुरू हुई, जो जेपी गोलंबर डाकबंगला हड़ताली मोड़ होते हुए विधानसभा के सामने जाकर खत्म हुई। इस मार्च के संबंध में जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीके सिंह ने कहा कि निजी विद्यालयों के सामने आज करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। कई बार मांग करने के बावजूद सरकार की ओर से निजी विद्यालयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बिहार में हर प्रकार के प्रतिष्ठानों में कोरोना काल में काम करने की अनुमति दे दी गई है, पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है लगातार 9 माह से बंद पड़े विद्यालयों की ओर। यही कारण है कि आज लाखों की संख्या में निजी विद्यालय संचालक और शिक्षक भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की मांग है कि अतिशीघ्र सभी निजी विद्यालयों को खोलने का आदेश जारी किया जाए। संघ ने सरकार के सामने 5 मुख्य मांगें रखी हैं, जिनमें विद्यालय में अध्यापन की अनुमति के साथ निजी विद्यालय का बकाया RTI के पैसों का अविलंब भुगतान और सरकार शिक्षण निर्वाचन में निजी विद्यालयों के शिक्षक को मताधिकार का मौका भी दे। उन्होंने कहा कि सरकार निजी विद्यालय को टैक्स मुक्त करे और निजी स्कूलों को किराए के लिए भवन मालिकों से रियायत की बात करे। निजी स्कूलों के प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि अब सिनेमा घरों को खोल दिया गया, रेस्टोरेंट को खोल दिया गया, पार्कों को खोलने की अनुमति दे दी गई, जबकि आज तक विद्यालय को खोलने के लेकर सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यालय खोलने पर विचार नहीं करती है तो सभी निजी विद्यालय संचालक और शिक्षकों को पूरा वेतन देना सरकार की जवाबदेही होगी। स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का आज विधानसभा मार्च है, इसमें पहला मांग है कि COVID-19 के तहत सब कुछ खुल गया, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई, स्कूल में शिक्षा, इसके तहत साजिश की जा रही है, इसलिए पहला स्कूल को COVID-19 की तरह खोला जाए। दूसरा, 2011 से लेकर के आज तक RTE का एक पैसा निर्गत नहीं हुआ, उसे निर्गत किया जाए। तीसरा, जितने भी टैक्सेज हैं प्राइवेट स्कूलों पर, वो टैक्सेस के बारे में निर्णय लिया जाए, और ख़ास करके ये लाखों शिक्षक जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनको भी मुआवजा देने का काम सरकार को करना चाहिए। ये स्कूल संचालक आज आत्महत्या करने पर उतारू हैं, डिपेंड हो गए हैं, इसलिए हमारी मांग है कि उन पर ये बरता जाए, और ख़ास करके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक को वोट देने का अधिकार है, और CBSE RCSE एफिलेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से एफिलेटेड टीचर को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अतः बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन अपने 5-6 सूत्री कार्यक्रम के तहत विधानसभा मार्च कर रही है, और निजी विद्यालय आज ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगी जब तक कि पूरे निजी विद्यालयों की मांग को नहीं मारा जाता है। निजी स्कूलों को आर्थिक मदद भी दी जाए। विद्यालय में अध्यापन को लेकर आप लोग के लगातार सवाल उठे हैं सरकार के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अध्यापन होनी चाहिए, क्योंकि सभी जब खुल गया COVID-19 के तहत, हम लोगों ने एक एस्टिमेट भी बनाया था कि अल्टरनेट डे 3 फेज में बांट करके और स्कूलों को खोला जाए, और इस तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना बड़ा इलेक्शन जहां 50,000 20,000 30,000 की गैदरिंग हुई, उस समय कोरोना नहीं हुआ, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, ये शिक्षा के प्रति साजिश है। प्राइवेट स्कूल सक्षम है कि COVID-19 के तहत भी बच्चों को शिक्षा दे सके, ऑनलाइन शिक्षा से सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग विधानसभा के लिए उतारू है। पूरे लॉकडाउन में किराया रियायत को लेकर क्या बात है? नहीं, रियायत होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी करीब 80% स्कूल ऐसे हैं जो किराए के ये पर चलते हैं, और उन पर सरकार कोई भी
ये नहीं कर रही है, कोई भी रियायत नहीं दे रही है, तो हम लोग उसके लिए भी मांग कर रहे हैं और उसके लिए भी ये पैदल मार्च कर रहे हैं। आज हम लोग विधानसभा मार्च करके और अपनी पूरी मांगों को मांग रहे हैं सरकार से, और अगर सरकार इस पर नहीं अमल होती है तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे और लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। डॉक्टर डी के सिंह, चेयरमैन बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन। खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट।